प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मनोज साहू फिर एक बार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, अब हम अध्ययन करने पर है तीसरे योहन्ना के किताब को, और तीसरे योहन्ना के किताब को सुनने से पहले उस किताब के रूप रेखाओं को हम आपको बताना चाहते हैं। तीसरा योहन्ना का जो किताब है वो स्वयं योहन्ना ने लिखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं यह किताब जो है शुरुआत के 60 से 90 साल के दरमियान ये लिखा गया किताब है। मैं आपको कहना चाहता हूं यह किताब जो है भाई गयूस को लिखा गया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, बहुत सारी दुविधाएं हो रही थी, बहुत सारे विभाजन हो रहे थे, यानी बहुत सारे विश्वासी वहां पर थे। वे योहन्ना ने जो शिक्षा दी थी या टीचिंग्स दिए थे, उन टीचिंग्स को न सुनते हुए वे अपनी अपनी शिक्षाओं को वो सुन रहे थे, और इसीलिए योहन्ना क्या करता है, भाई गयूस को जो है यह किताब लिखता है और उसे समझाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह किताब अभी के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो भाई है वो कोई और दिशा में चले गए हैं, और उसी की वजह से जैसे इस समय समस्या शुरू है वैसे उस समय भी समस्या शुरू थी, और उसी के वजह से यह किताब योहन्ना ने गयूस को लिखा है। आइए प्रार्थना पूर्वक इस किताब को हम सुनेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन करें चीजों को सुनने समझने जानने और प्रभु अनुभव करने के लिए। प्रभु ये जो किताब है जैसे हम सुनेंगे हमारे आंखें खुल जाए चीजों को समझने के लिए और जानने के लिए, और उसी के अनुसार अपना जीवन हम बिताएं। प्रभु जी आपके सच्चे शिक्षा में बने रहने के लिए आप हमें मदद और सहायता करें। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमेन। आइए इस किताब को सुने। तीसरा यूहन्ना अध्याय 1। मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जब ही तू भाइयों के लिए कार्य करे और अजनबियों के लिए भी, तो विश्वास योग्यता के साथ कर। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए यदि मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह करता है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके स्वयं ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे, तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं, वहाँ के मित्रों के नाम ले लेकर नमस्कार कह देना।